बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है और चैप्टर नंबर 15 है, 10th क्लास बायोलॉजी। ये फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में भी, जितने भी पंजाब के बोर्ड में भी यही पढ़ी जाती है बायोलॉजी। और यहाँ पे आपने देखना है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या था। टर्म आर्टिफिशियल सिलेक्शन वॉज एक्सप्रेस्ड बाई अ पर्शियन साइंटिस्ट। ये आपको एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन है इसकी टर्म किसने दी, ठीक है। तो अबू रियान बेरूनी, ठीक है, इन 11th सेंचुरी, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन है आल्सो यूज दिस टर्म जब उसने नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। तो नेचर मतलब ऑन ए नेचुरल सिलेक्शन, उसने ये टर्म जो है ना, वर्क ऑन ए नेचुरल सिलेक्शन में भी, ये चार्ल्स डार्विन आल्सो यूज दिस टर्म इन हिज वर्क ऑन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक होती है नेचुरल सिलेक्शन, एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है कि हम जो इंसान है, ठीक है, इंसान अपनी मर्जी से जो ऑर्गेनिज्म है उनके दरम्यान में, एनिमल्स के दरम्यान में ब्रीडिंग करवाए, यानी क्रॉसिंग करवाए और उससे नेक्स्ट जनरेशन ले, ठीक है। एक तो अगर हम बात करें जो फॉर एग्जाम्पल एक जंगल है, जंगल में जो एनिमल्स हैं उनका जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो वो जब ब्रीड करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, वो नेचर जो सिलेक्ट कर रही है। और एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें आपने देखना है कि इंटेंशनल ब्रीडिंग अमंग द इंडिविजुअल विद द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक और डिस्करेजिंग द ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल विद लेस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो इंसान की वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है वो चाहता है कि आप देखें हमारे पास जो ब्रीड्स हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा काउज की, ठीक है, गाय जो है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी किस्म की गाय पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम देसी का देसी जो गाय हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई जो आप में से कोई समझता हो कि जो देसी काउज हैं, ठीक है, उनकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है, ठीक है, साहीवाल नस्ल है, ठीक है, इसके अलावा दूसरी देसी है, ठीक है, फिर जो कुर्बानी के ऊपर जो बैल इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो जिबा किए जाते हैं फतेह जंग के, ठीक है, ऊंची कुआन वाले, ठीक है, वेख टोर चकोरी दी, बड़ा अच्छे तरीके से वो चलते हैं, ठीक है, और इस वजह से उनकी जो है ना रेट भी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो काउज हैं, ठीक है, या इनकी साहीवाल नस्ल अलग है, ठीक है, इस तरह जो बाहर से हमने इम्पोर्ट की उसमें एक आती है जर्सी, ठीक है, और एक आती है फ्रीजियन, ठीक है। अब ये जो फ्रीजियन है इसकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है, मैं आपको बताऊं कि ये 30 लीटर जो है ना ऑन एवरेज पर डे जो है ना मिल्किंग कैपेसिटी है, ठीक है, यानी मिल्क ये इसका हम ले सकते हैं। और जो हमारी देसी गाय है, ठीक है, वो बेचारी 4-6 किलो से ऊपर नहीं जाती, ठीक है, या फिर बहुत हुआ 10 किलो तक, जो साहीवाल की अच्छी काउज हैं 10-12 केजी तक, मतलब लीटर तक जाएंगी। और इसी तरह जो फ्रीजियन के साथ जो जर्सी है, ठीक है, वो तो फिर कुछ जो मेंबर्स हैं फ्रीजियन का जर्सी से क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है, और उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ये आर्टिफिशियल और सिलेक्टिव ब्रीडिंग मीन द इंटेंशनल ब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर ए सर्टेन ट्रेट्स। हम जो अच्छी नस्ल के जो ऑर्गेनिज्म है उनको लेंगे, ठीक है, और उनसे आगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाएंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाएंगे। और सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से क्या हुआ कि ये जो भी फ्रीजियन जो गाय है, ठीक है, ये हमें जो हासिल हुई है इसको बार बार जो अच्छी नस्ल के जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी ब्रीडिंग से ये हासिल हुई। या फिर आपको मैं पोल्ट्री की एग्जांपल दूंगा, पोल्ट्री के अंदर ना आप जो एग्ज हम जो बेकरी के से ले रहे हैं या फिर वो जो किराने से हम ले रहे हैं, वो बेसिकली जो होते हैं ना लेयर लेयर उसको कहते हैं हैं, जो लेयर्स होती हैं उनके अंडे होते हैं, ठीक है, और इन मुर्गियों की जो कैपेसिटी है एग लेने की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप अगर जो देसी मुर्गियां होती है ना वो साल के अंदर अगर 100 अंडा देती है, 150 देती है, तो ये जो लेयर वाली है ये 365 दिन में से आप समझ ले 300 दिन तक भी अंडे देती हैं, ठीक है, 320 दिन तक भी देती हैं, ठीक है, कुछ तो ये कहा जाता है 340 तक भी देती हैं। लेकिन जो देसी मुर्गी होती हैं, ठीक है, ये 20 अंडे देती हैं, उसके बाद कुड़ुक, ठीक है, वो कुड़ुक आप समझ ले कि उनको फिर नीचे जो है ना उनको आप इनक्यूबेट करना पड़ता है, उन एग्स को उनके ऊपर बैठती हैं, फिर उनसे वो जो है चिक्स निकलते हैं। तो अब जो हमने ये जो ज्यादा क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, ब्रीडिंग करवाई, इससे जो नेक्स्ट जनरेशन ले रहे हैं इससे क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा आप समझ लें कि जिद्दत आ गई, लाइफ स्टॉक के अंदर एनिमल्स की जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक थे वो हमें हासिल होना शुरू हो गए। इन दिस वे न्यू जनरेशन विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आर प्रोड्यूस। क्या किस लिए हम ब्रीडिंग करा रहे हैं अच्छे ऑर्गेनिज्म में, कि हम जो एनिमल से जो भी ऑर्गेनिज्म लिया जाता है ना उसको हम ब्रीड कहते हैं, ठीक है, और जो प्लांट से जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म लिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे,
varieties or cultivars. Ab numerous breeds of sheep, goats or cows and hens have been produced by artificial selection, yani insaan ki wajah se, yani insaan unko select karta hai. Kis liye select karta hai? Taaki achhi hum wool hasil kar sake, acha meat hasil kar sake, acha milk ki capacity hasil kar sake, acha eggs ki jo production hai wo zyada hasil kar sake. To maine aapko bataya ek layer eggs hain, aur layer egg keh raha hu, layer jo wo hamare paas hens hain, theek hai. Iske alawa fir aap jo broiler istemal karte hain, koi mehman aa gaya bhai क्या लेके आ रहे हैं, ये चिकन लेके आ रहे हैं, तो वो जो व्हाइट कलर की वो जो चिकन होती है वो ब्रॉयलर, वो हमने एक ऐसी वैरायटी, आप समझ ले ऐसी ब्रीड हासिल की है जो कि सिर्फ एक छोटे चूजे से बड़ा होते तक उसको 40 दिन लगते हैं, जबकि ये जो देसी मुर्गियां होती हैं ये चूजा 40 दिन के अंदर चूजा ही रहता है, ठीक है, ये बड़ा नहीं होता, इतनी जल्दी ये बड़ा नहीं होता, ठीक है. लेकिन जो हमारे पास जो देसी मुर्गी हैं, वो दूसरी जो ब्रॉयलर हैं, वो सिर्फ 40 से 50 दिन के अंदर वो 2 kg वेट अटेन कर लेती हैं. और इनको किस तरह हासिल किया कि एक इनके अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन की गई, ठीक है, ब्रीडिंग की जो आप टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई. अच्छा, इसी तरह फिर आपने सिमिलरली मैनी वराइटीज ऑफ जो प्लांट्स हैं उनको, या वराइटीज या कल्टीवर्स कहते हैं, ठीक है, वो किस लिए हमने उनके अंदर अच्छी पॉलिनेशन या क्रॉसिंग करवा के, ठीक है, ज्यादा अच्छे सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल. इसी तरह अगर आप फ्लावर देख ले सकते हैं, पहले आपको एक रेड कलर का ही नजर आता था, ठीक है, अब वो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवा के, ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग उनके दरमियान में फर्टिलाइजेशन करवा के, ठीक है, क्या व्हाइट कलर का भी रोज नजर आएगा आपको, पिंक का भी नजर आएगा, पर्पल का भी नजर आएगा, और कितने किस्म के, ठीक है. आप मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं इनमें फ्लावर्स का एग्जीबिशन होता है, जिस टाइम पे वो फन फेयर जिसे कह लें, ये एग्जीबिशन होता है, उसके अंदर अगर आप फूलों की अगर आप देखें किस्में, तो आप हैरान हो जाएं कि वो कितने हजारों किस्म के फूल आ चुके हैं, ठीक है, वो किस वजह से आ चुके हैं, ये एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की वजह से, ठीक है. अभी आपको नीचे जो है ना, ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की वजह से, ये देखें ये क्या कह रहे हैं, ब्रीड ऑफ हैन प्रोड्यूस थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये देखें ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, यानी फॉर एग्जाम्पल इसका क्रॉस जो है ना दूसरे किसी ब्रीड के साथ करवाया गया तो ये आ गई, ठीक है, पहले एक ही किस्म की मुर्गियां होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको डिफरेंट जो है ना सब स्पीशीज से क्रॉस करवाया गया तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई, फिर उसको किसी और से क्रॉस करवाया गया तो डिफरेंट वराइटीज हमारे पास आई, ठीक है, किस वजह से आई, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से. लास्ट में ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और इससे आगे इंशाल्लाह हम बाकी सारा कुछ पढ़ेंगे. ये आपको देखें, प्लांट्स वैरायटीज प्रोड्यूस थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वाइल्ड मस्टर्ड, ठीक है. अब ये जो वाइल्ड मस्टर्ड है, ठीक है, उससे आप देख रहे हैं कि ये कॉलीफ्लावर, ठीक है, ब्रोकोली, ठीक है, कैबेज काली, ठीक है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, ठीक है, डिफरेंट सब स्पीशीज के अंदर जब क्रॉसिंग करवाई गई तो ये इस तरह के हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए. ये आज का हमारा जो है लास्ट टॉपिक था, इंशाल्लाह इससे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे.